नमस्कार, मैं ओमपुरी। क्या आप जानते हैं लाल बहादुर का पूरा नाम लाल बहादुर वर्मा था, मगर जब वो मात्र 12 साल के थे और छठी क्लास में पढ़ते थे, उन्होंने अपने नाम से वर्मा शब्द हटा दिया। अपने नाम से वर्मा शब्द हटा देने के पीछे की मंशा क्या हो सकती है, सिवाय इसके कि वो अपने को एक जाति विशेष के बंधन से मुक्त एक भारतीय के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहते थे। ये लो तुम्हारी रैपिड रीडर और हमारा बस्ता भी रख लो, हम तुम्हें नदी के उस पार मिलेंगे। लाल बहादुर, मैंने तुम्हें रैपिड रीडर लाने के लिए कहा था ना, है? वो किताब लेकर तुम क्यों नहीं आए? चलो हाथ निकालो, निकालो हाथ। सर, वो लाल बहादुर एक गरीब घर से है, इसके पास किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। इसने मुझसे किताब मांगी और रात भर में पूरी किताब इस कॉपी में भर ली। अजी, सुनती हो? कहिए। आज से हमारे घर में एक और बेटा जुड़ गया। जल्दी करो लाल बहादुर, अगर देर हो गई तो हम सभी गांधी जी के दर्शन को चूक जाएंगे। जी सर। ये पहली बार था जब लाल बहादुर ने गांधी जी को इस तरह देखा और सुना। पूरा भारत गांधीवाद की शरण में आ रहा था। बालक लाल बहादुर भी गांधी जी के इस भाषण के बाद खुद को इससे अलग न कर सका। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने सारे देश को हिला कर रख दिया। अब नन्हे भी 15 वर्ष का हो चुका था। इस घटना पर महात्मा गांधी की प्रतिक्रिया से किशोर लाल बहादुर के मन में एक द्वंद्व छिड़ गया था। आज लाल बहादुर जीवन के दौराहे पर खड़ा था। एक रास्ता करियर बनाने और घरेलू फर्ज निभाने की तरफ जाता था, तो दूसरा रास्ता मातृभूमि की आजादी का कर्तव्य निभाने की तरफ। सपने चलते हैं तेरी नींदों में, सपने चलते हैं। तेरे पांव में बहती है नदियां, तेरी आँखों का रंग है माटी का। मैं तुम्हारी दुविधा और मुश्किल समझता हूं लाल बहादुर, लेकिन आज तुम्हारी तरह अनेक नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी निजी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं को तिलांजलि दे दी। उनके लिए देश की आजादी से बढ़कर और कोई बड़ा सपना नहीं। आज उन सबका एक ही मिशन है, आजादी और संपूर्ण आजादी। हमारे कहने का मतलब यह कतई नहीं है सर कि हमारी दुविधा हमारी देशभक्ति में आड़े आती है। हमारे भीतर भी क्रांति की वही ज्वाला है जो दूसरे नौजवानों में है, लेकिन हर घड़ी हमारी माँ की मजबूर आंखों का सपना हमारे आंखों के आगे आकर खड़ा हो जाता है और उन सपनों को साकार करने की लालसा हमारे भीतर जाग उठती है। सर, हमारी मजबूरी बस इतनी है। अपनी माँ का संदर्भ छेड़कर तुमने अपने ही तर्क को और बल दिया है लाल बहादुर। न जाने कितनी माँ ऐसी हैं जो अपने कलेजे के टुकड़ों के माथों पर तिलक लगाकर उन्हें मातृभूमि की आजादी के लिए रण में उतार रही।
आज कोई भी माँ अपनी संतान के भीतर देशभक्ति की धधकती हुई ज्वाला का स्वागत करेगी। तुम अपनी माँ के लाल और बहादुर दोनों हो लाल बहादुर। और जहां तक मैं समझता हूं, तुम्हारी माँ वो देवी है जो त्याग और बलिदान का दूसरा नाम है। गुरु होने के नाते तुम्हें दुविधा से निकालना मेरा फर्ज था, लेकिन अपने बारे में फैसला लेने का हक फिर भी तुम्हारा ही है। बुला के जाने में गुरु की सलाह भी लाल बहादुर के द्वंद को शांत नहीं कर पाई। उनकी दुविधा लगातार बढ़ती जा रही थी। एक तरफ माँ का सपना तो दूसरी तरफ आजादी का सपना। लाल बहादुर अब अपनी माँ से मिलने जा रहा है। उसे पूरा यकीन है कि इतनी मुफलसी में भी अपने स्वाभिमान से समझौता न करने वाली माँ जरूर उसे सही रास्ता सुझाएगी। और फिर कुछ भी हो, माँ तो माँ है। लाल बहादुर अब भी वही करेगा जो माँ कहेगी। बेटा किसी उलझन में है? अम्मा कैसे बताऊं ये उलझन? हाँ? अरे क्या बात है, कुछ बोल भी बेटा। नन्हे आखिर हुआ क्या? समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसी क्या बात हुई? अम्मा एक तरफ तुम हो, दूसरी तरफ भारत माता। मैं समझ गई तेरे मन की बात। मैं समझ गई नन्हे, तेरी माँ का कलेजा अब बहुत कठोर हो चुका है। घरेलू तकलीफें मामूली बातें रह गई है बेटा। ये मैट्रिक का इम्तिहान तो कोरा इम्तिहान है। आज देश के सामने सबसे बड़ा इम्तिहान है आजादी का, और तुम्हें भी इस इम्तिहान में बैठना है। हाँ बेटा, तुम्हें इसी इम्तिहान में बैठना है। भरी जवानी में विधवा हो चुकी माँ ने अपनी सारी उम्मीदें अपने बेटे पर लगा दी थी। और इस बड़ी परीक्षा को पास करके अपना कर्तव्य पूरा कर। तमाम मुश्किलों को झेलते हुए वो अपने बेटे को पढ़ा रही थी कि बेटा पढ़ लिख कर उसके परिवार का सहारा बनेगा, कुछ कमाएगा जिससे घर की दाल रोटी चलेगी। उसी माँ ने अपने बेटे को उस वक्त पढ़ाई छोड़ देने का हुक्म दिया जब वो मैट्रिक की परीक्षा से मात्र 3 महीने दूर था। ये थी एक माँ की महानता, उसका देश प्रेम। ये कोई यहाँ भूल गया था, ले इसे पहन ले। राम दुलारी लाल बहादुर को गांधी टोपी पहना रही है, जैसे एक वीरांगना अपने बेटे को युद्ध भूमि में भेजने से पहले हथियारों से लैस कर रही हो। गांधी टोपी एक हथियार ही तो है, और उस दिन से लाल बहादुर के सर से गांधी टोपी कभी नहीं उतरी। वो गांधी के सत्य और अहिंसा के विचारों के जिंदगी भर अनुयायी बने रहे। जो शास्त्री जी का बचपन रहा, जैसे हमारी दादी बताती थी, जिस प्रकार से उन्होंने अपने बचपन को व्यतीत किया, फिर उसके बाद आकर जैसे जैसे बड़े हुए और स्वतंत्रता संग्राम एक सेनानी के रूप में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, मतलब गांधी जी के एक आह्वान पर उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी और फ्रीडम स्ट्रगल में जुड़ गए। लाल बहादुर की माँ की तरह आजादी की लड़ाई में लाखों लाख माओं ने देश के लिए अपनी ममता कुर्बान कर दी। यही वो ताकत थी जिसने अंग्रेजों के हर जुल्म के खिलाफ आजादी के मतवालों को हंसते हंसते बलिदान हो जाने का हौसला दिया। माताओं की इसी सामूहिक शक्ति का दूसरा नाम है भारत माता। भारत और क्या है, त्यागमयी माताओं और उनके वीर सपूतों का देश।
असहयोग आंदोलन ने समूचे भारत को अपनी गिरफ्त में ले लिया। लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी और विदेशी वस्तुओं को त्यागना शुरू कर दिया। बच्चों ने सरकारी स्कूलों में जाना छोड़ दिया। अंग्रेज हुक्मरान करते तो क्या करते, बौखला गए। असहयोग आंदोलन ने साबित कर दिया कि अहिंसक आंदोलन से भी क्रांति आ सकती है। इनकलाब केवल उग्र आंदोलन का नाम नहीं, सत्य की राह पर चलकर भी विजयी हुआ जा सकता है। और इसी सत्य के प्रयोग ने लाल बहादुर की इच्छा शक्ति और प्रेरणा शक्ति को फौलादी ताकत दी। 5 फरवरी 1922, गोरखपुर के पास एक कस्बा चौरी चौरा। चौरी चौरा थाने में कुछ सत्याग्रहियों को पकड़कर बंद कर दिया गया। पुलिस के जुल्म के खिलाफ थाने के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई, जो कि बेकाबू होती जा रही थी। इसे देखकर पुलिस घबरा गई और लोगों पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। फिर क्या था, आग बबूला जनता ने थाने को घेर लिया और आग लगा दी। इस अग्निकांड में पुलिस के 22 सिपाही जलकर राख हो गए। इस घटना के बाद गांधी जी ने देशभक्तों से कहा कि जो अग्निकांड हुआ वो गलत है, हिंसा हमारा रास्ता नहीं, हमें अहिंसा के रास्ते पर चलकर अपनी आजादी के लक्ष्य को हासिल करना है। गांधी जी ने जब 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया तो लाल बहादुर ने भी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। स्कूल छोड़ दिया और जेल भी गए, मगर उस वक्त उनकी उम्र 16 साल थी, इसलिए जेलर ने उन्हें छोड़ दिया था। लाल बहादुर आचार्य जेबी कृपलानी अपने दोस्त त्रिभुवन नारायण सिंह, अलगू राय और राजा रामचंद्र के साथ दिन भर खादी बेचते थे। गांधी जी के सत्य और अहिंसा के विचारों का प्रचार प्रसार करते। पढ़ाई तो छूटी गई थी, पर उन्हीं दिनों काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई, जिसमें पढ़ने के लिए उन्हीं लड़कों को लिया जाता जो सरकारी स्कूल छोड़ चुके थे। लाल बहादुर ने भी आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए काशी विद्यापीठ में दाखिला ले लिया। शास्त्री जी ने हमेशा अपने आप को गांधी जी का डिसाइपल माना, उनके वो अनुयायी थे और गांधीवाद उनके जीवन का एक हिस्सा था। उन्होंने गांधीवाद को अपने जीवन पर उतारने का पूरा प्रयास किया, उसमें सफल भी रहे। गांधी जी के इस फैसले से मुझे तो नहीं लगता कि हम इतनी जल्द आजाद हो पाएंगे। सत्याग्रह आंदोलन रुके, उन्होंने ठीक नहीं किया। पंडित मोतीलाल भी गांधी जी के इस फैसले से बिल्कुल सहमत नहीं है। सुना है उन्होंने स्वराज पार्टी नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली है। अरे यार, खबर तो यह भी है कि चितरंजन दास अपने साथियों समेत इसी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस का क्या होगा, सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया है, बापू तो जेल में है। तुम चुप क्यों लाल बहादुर, कुछ बोलते क्यों नहीं? गांधी जी का फैसला बिल्कुल सही है। जरा सोचो, यदि हम हिंसक आंदोलन चलाते हैं तो क्या उसे रोकने के लिए बरतानवी हुकूमत के पास ताकत और हथियार नहीं है? क्या वो हमसे इसका जवाब खून खराबे से नहीं ले सकते? फिर क्या होगा, जरा सोचो। हम उनके सामने निहत्ते हैं, इसलिए दोस्तों हमें एकजुट होकर रहने की ज्यादा जरूरत है। तुम्हारी बातें है तो सही, लेकिन लेकिन क्या, इतनी जल्दी हार मान लेने से क्या कोई व्यक्ति अपने मकसद में कामयाब हो सका है? सच्चाई की जीत बड़ी मुश्किल से होती है। कांग्रेस पार्टी में तो दरार पड़ गई है, अब आंदोलन कैसे चलेगा? अरे, मोतीलाल नेहरू और गांधी जी की विचारधारा कोई अलग थोड़ी ही है। सारी पार्टियों और सारे आंदोलनों का एक ही मकसद है, आजादी। ओहो लाल बहादुर, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे गांधी जी तुम्हारे भीतर ही समा गए हो। और ये सच्चाई थी। लाल बहादुर ने गांधी जी के आदर्शों को आत्मसात कर लिया था और उनकी आस्था ही उनकी अपार शक्ति का स्रोत बनी रही। बहरहाल समय का पहिया आगे बढ़ा और लाल बहादुर ने सन 1925 में 21 साल की अवस्था में काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि हासिल की। इस तरह वो लाल बहादुर से लाल बहादुर शास्त्री हो गए। इसके बाद उन्होंने लाला लाजपत राय की स्वयंसेवी संस्था सर्वेंट्स ऑफ पीपल्स सोसाइटी की आजीवन सदस्यता ले ली।
आगे की कहानी कुछ कांट छांट कर हम ललिता जी के शब्दों में पेश करेंगे। ललिता जी यानी जो आगे चलकर उनकी जीवन संगिनी बनी, ललिता शास्त्री। जिसकी यहाँ मृत्यु हुई थी वहाँ बाहर खड़े व्यक्तियों में शास्त्री जी भी थे। उस समय शास्त्री जी लगभग 10 साल के होंगे। वो चुपचाप एक ओर खड़े थे। हमारे मुंह से अनायास निकल गया, सब लोग तो रो रहे हैं पर दुलर बहन का लड़का नहीं रो रहा है। दरअसल सास जी का नैयर हमारे मोहल्ले में ही था, इसी से सभी मोहल्ले वाले उन्हें दुलहर बहन कहकर बुलाते थे। उनका असली नाम तो राम दुलारी है। हमारी माँ को शास्त्री जी पसंद आ गए, लेकिन सास जी उस समय शास्त्री जी की शादी के लिए तैयार नहीं थी। कई वर्ष बाद जब हम 17 वर्ष के हो गए, फिर से सास जी से बात चलाई, पर इस बार मेरे भाइयों को ये रिश्ता पसंद नहीं, क्योंकि शास्त्री जी की आमदनी कुछ खास नहीं थी। इसी बीच हमने एक रात बड़ा अनोखा सपना देखा। हमने देखा कि हम पूजा के लिए जा रहे हैं, हाथ में एक माला भी है। जैसे ही हम मंदिर में घुसने को हुए तो सामने शास्त्री जी दिखाई दिए। शालिग्राम जी से यही प्रार्थना करती थी कि हमारा विवाह तो शास्त्री जी से ही होना चाहिए। उधर भाई लोग कई लड़के देखने गए, पर विधान को जो मंजूर था वही हुआ। मेरी और शास्त्री जी की विवाह का दिन तय हो गया। ललिता जी का देखा हुआ सपना 16 मई 1928 को हकीकत में बदल गया। बारात ललिता जी के घर मिर्जापुर शहर के चेतगंज मोहल्ले में पहुंची। शादी की रस्म शुरू हुई। शादी को शास्त्री जी दो आत्माओं का मिलन मानते थे, इसलिए शादी में किए जाने वाले आडंबर के वो खिलाफ थे। एक ऐसे देश में जिसकी आधी आबादी को भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता था, शादी के बहाने हजारों रुपए बर्बाद करने को वो बुरा मानते थे। दहेज प्रथा के वो सख्त विरोधी थे, इसलिए उन्होंने दहेज में सिर्फ एक जोड़ा खादी का कपड़ा और एक चरखा लिया था। शादी के समय जब सारी रस्में निभाई जा रही थी, शास्त्री जी को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन घर वालों और समाज के दबाव के कारण वो कुछ नहीं बोल पा रहे थे। मगर जब बनारस और रामनगर की परंपरा के अनुसार ललिता जी सिंदूरदान के वक्त साधारण पीली साड़ी बदलकर कीमती बनारसी साड़ी में आई, तो शास्त्री जी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने आडंबर और दिखावे को रोकते हुए पंडित द्वारा कराई जा रही प्रक्रिया का विरोध किया। शादी का मंत्र पढ़ा जाए। अरे पंडित जी, क्या बात है जजमान? पंडित जी, शादी मेरी हो रही है आपकी? यह कोई पूछने की बात है लाल बाबू, यह शादी तो आपकी ही हो रही है। तो फिर मंत्रोच्चारण भी हम ही करेंगे। मंडप में बैठे लोगों को जैसे सांप सूंघ गए, सभी अचरज में पड़े, गाना फूसी शुरू हुआ। मगर हुआ वही जो शास्त्री जी चाहते थे। आप अपना हाथ मेरे हाथ में दीजिए। अब मैं जो बोलूंगा उसे आप भी बोलिए। मैं लाल बहादुर नहीं, आप लाल बहादुर नहीं, ललिता बोलिए जी। क्या हुआ जी? कुछ नहीं, मैं ललिता कसम खाता हूँ। उस दिन जो हमारी दुर्दशा हुई थी उसे हम आज भी नहीं भूले। एक तो वैसे ही गर्मी का महीना,
लेकिन जेवर और कपड़ों से लदे होने के कारण गर्मी बढ़ गई थी। उसके साथ साथ शास्त्री जी के साथ प्रतिज्ञा करना जो सपने में भी नहीं सोचा था। तब तक ना मालूम एक बरैया साड़ी में कैसे घुस गई। लाल बहादुर शास्त्री और ललिता जी की शादी के बाद खुद कमला नेहरू की पहल पर सासू माँ राम दुलारी देवी ने ललिता जी को स्वदेशी आंदोलन में भाग लेने की अनुमति दे दी। पहले पहल तो ललिता जी को कुछ संकोच सा महसूस हुआ, पर धीरे धीरे उन्होंने हिम्मत जुटा ली। क्या ही है सब? आप ये विदेशी चीजें नहीं बेच सकते। क्यों? गांधी जी ने मना किया है। गांधी जी ने हमसे मना किया है कि हम विदेशी सामान ना बेचें। और आपने जो ये चूड़ियां पहन रखी है विदेशी, इसका क्या? अगर मैं इन्हें तोड़ दूं, तो क्या आप अपनी दुकान बंद कर देंगे? ललिता, तुम ये क्या कह रही हो? चूड़ियां तो सुहाग की निशानी होती है। बोलिए, क्या आप अपनी ये दुकान बंद कर देंगे? अरे आप तोड़िए तो सही। ठीक है। ललिता, आप ही क्या बेवकूफों जैसी बातें करते हैं? आपको नहीं पता कि चूड़ियां सुहागन की एक निशानी होती है? अब एक हिंदुस्तानी होकर समझ। एक मिनट। इस तरह ललिता जी के अंदर भी स्वदेशी और स्वाधीनता की भावना बलवती होती जा रही थी। दुकानदार की एक बात पर उन्होंने सुहाग की प्रतीक अपनी विदेशी चूड़ियों को तोड़ डाला। लेकिन इस त्याग से बड़ा बलिदान उन्होंने आजादी के आंदोलन के सेनानी की पत्नी के रूप में दिया। आमतौर पर महिलाओं को रोजमर्रा के जिन मुश्किल सवालों, गृहस्थी चलाने और दुख सुख से जूझना पड़ता है, ललिता जी भी उन महिलाओं से अलग नहीं थी। ब्याह से लेकर आजादी तक शास्त्री जी ने कुल 9 साल जेल में बिताए, लेकिन कभी भी विचलित नहीं हुए। उन्हें यकीन था कि आजादी कुर्बानी मांगती है और एक ना एक दिन देश जरूर आजाद होगा। ऐसा नहीं कि उन्हें घर की चिंता नहीं सताती थी, मगर उन्हें पत्नी ललिता पर पूरा भरोसा था कि वो घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेंगी। एक खुशहाल जिंदगी का सपना संजोने वाली ललिता जी को कदम दर कदम तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि त्याग और साहस का मादा उनमें कूट कूट कर भरा था। आजादी के लिए जेल जाना उन दिनों हर नौजवान के लिए सम्मान और गर्व की बात थी। ये गर्व लाल बहादुर को कई बार हासिल हुआ, लेकिन बार बार जेल जाने की वजह से उनके अपने परिवार के प्रति कर्तव्य पालन में हो रही कमी लाल बहादुर को खाई जा रही थी। इस द्वंद्व भरे सफर की यादें ताजा करेंगे अगले अंक में।